संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं जाने माने सितार वादक पंडित बलराम पाठक से विजय चौधरी की भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता वर्ष 1985 में पहली बार विविध भारती से प्रसारित हुई थी। आइए सुनते हैं। पंडित बलराम पाठक सितार के बहुत ही बड़े कलाकार मेरे सामने बैठे हुए हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा सुनने वालों की तरफ से और अपनी तरफ से। आप लोगों को मेरा नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जहाँ से अक्सर ये मिजराब बजाई जाती है, जहाँ से जी, उसके अलावा आपने ये मिडिल स्केल पर भी बजाई। जी हाँ, तो ये इतना बड़ा लंबा सितार है जी, इस सब जगह अलग अलग स्वर बना हुआ है। अच्छा, अगर इसको सही माने से इसको रिसर्च किया जाए, देखा जाए, तो हर एक जगह से हर एक स्वर अलग निकलता है। टोनल क्वालिटी, टोनल क्वालिटी जो है ना जी, वो फर्क हो जाता है। अच्छा, वो फर्क जो है पंडित जी, वो जरा अब उस ढंग से लोग सुने ताकि आप उसको पहले उस जगह से जहाँ से अक्सर आमतौर पे बजाया जाता है और उसके बाद में फिर जो आप बीच के स्केल्स में इस्तेमाल करते हैं वो जरा करके बताइए, सेम उसी सुर को। टोनल क्वालिटी फर्क हो गया, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, वाह वाह वाह, बिल्कुल बात साफ हो गई पंडित जी। अच्छा, और इसके अलावा आपने सितार पर कुछ और प्रयोग भी किए हैं? और तो अभी दिन रात इसको देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नया चीज अभी नहीं सोच में आया है, आने से फिर बताएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, एक चीज है कि जैसे कि झाले का ठोक झाला जिसको कहते हैं जी, वो झाले के अंदर में हमने कुछ थोड़ा सा अलग प्रयोग किया, प्रयोग किए हैं। अच्छा। जितने सितारिया हैं एक उंगली से ही झाला बजाते हैं। अच्छा अच्छा। हम दोनों उंगली से व्यवहार करते हैं, दो मिजराब लेकर व्यवहार करते हैं जी। एक कानी उंगली जी, इसको आप लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली वो उंगली, और मिजराब वाले उंगली, ये दोनों के व्यवहार करते हैं जी, जी। अब देखिए कि ये झाला इन दिनों किसी से नहीं सुने गए। मिजराब वाला उंगली डबल हो जा रहा है और कानी उंगली उसका दोगुन में चल रहा है। अच्छा 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 जी। और ये जो उंगली चला ये बराबर का उंगली, और ठोक झाला सुना रहे हैं जी। Thank you.
वाह, मजा आ गया। ये बातें जो आपसे सुनने को मिली हैं काफी नई भी थीं और मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी इसका मजा तो ले ही रहे होंगे, साथ ही साथ जो सितार के शौकीन हैं उनको काफी कुछ हासिल भी हो रहा होगा। सब सितारिया लोग दो उंगली का व्यवहार करते हैं मीड के अंदर में जी। हम तीनों उंगलियाँ व्यवहार करते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर तो चौथा जो कानी उंगली है ये तो तरफ छेड़ने के लिए। अच्छा अच्छा। भी व्यवहार में तरफ छेड़ने के लिए हमारे उस्ताद बिलाल खान साहब भी इसको व्यवहार करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके खानदान में व्यवहार करते आ रहा है। अच्छा पंडित जी, ये बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गया था कि आप वैसे तो बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपने शिक्षा अपनी किन से ली? अपने पिता से जी। ये हमारे 5-6 पीढ़ी से सितार, सुरबहार, बीन जी। हमारा तो घराना ही ध्रुपद का घराना है। अच्छा अच्छा। लेकिन इसको हमने चूंकि ध्रुपद स्टाइल पूरा बरतने से सितार में उतना संभव नहीं होता है कि जितना कि सुरभार में ध्रुपद बरतने से जो आनंद मिलता है, यानी उस वाद्य की जो एक गंभीर, कारण कि सूत मीड लंबा चाहिए। अच्छा, उसके लिए सूत मीड लंबा चाहिए तो सुरभार में हो पाता है। अब मेरा जो सुरभार है 60 उसा मीड कर जाते हैं। अच्छा। एक ही रीड से 7 स्वर का काम हम दिखलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। सूत मीड के अंदर होना चाहिए, उसमें छोटा मुर्कियां नहीं होना चाहिए। छोटा कण स्वर के अंदर में अब मुर्की आ जाने से वही ख्यालंग हो जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये काम जो है सितार पर संभव नहीं है। सितार पर संभव नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी कारण आपने फिर तो जैसे कि कोई ध्रुपद कोई सुनना चाहते हैं तो उनको हम फिर पखावज पर लेकर और सुरबहार लेकर उनको ध्रुपद सुनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पंडित जी, ये बताएंगे कि क्या कारण है कि आज के जमाने में ध्रुपद अंग जो है वो काफी लुप्त होता चला जा रहा है और उसकी जगह ख्याल अंग, गायकी अंग जो है वो ले रहा है? आप क्या वजह मानते हैं इसकी और आप क्या उचित भी मानते हैं इसे? कहा ना कि ध्रुपद भी होना बहुत जरूरी है जी। ये सब जितना जो ख्याल जो बना, ख्याल अंग ध्रुपद ही लेकर के उसको तोड़ करके ख्याल अंग में आया है। ध्रुपद के बाद की चीज है ख्याल। हाँ जी। जो जैसे कि सांस्कृत भाषा जो है उसी भाषा आधारित सब भाषा का आविष्कार हुआ है, उसी तरीके से प्रथम तो आगे के जमाना में लोग ध्रुपद ही गाया बजाया करते थे जी जी जी। लेकिन ध्रुपद शायद बहुत गंभीर गायन, बहुत गंभीर गायन है, बहुत गंभीर। सूत मीर वैसा ना आजकल खान पान है, ना वैसा आवाज है सुनने के लिए ध्रुपद के लिए भी। वैसे ही आदमी सुनने वाला भी उस जमाना में होता था, लिमिट आते थे। अब तो समझ जाइए कि वो फिल्मी दुनिया का जो गाना गाने वाले हैं वो भी आकर के कॉन्फ्रेंस देखते हैं। जी 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 बिल्कुल। अब उस जमाने में तो फिल्मी दुनिया था नहीं जी। तो ये बात हुआ कि आगे से शौक म्यूजिक का बहुत हो गया, लेकिन उतना पब्लिक में पेशेंस नहीं रहा कि हम बैठ करके वो एक एक मुकाम बैठ बैठ करके सूत मीड़ सुन रहे हैं उस्ताद का। आस्ते आस्ते बढ़त हो रहा है जी जी। यानी वक्त के मुताबिक थोड़ा बहुत फर्क हो गया। कलाकारों को भी लाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। हाँ। यानी पहले तो सुना जाता था कि फलाने उस्ताद ने 3 घंटे तक तो अलाप में ऐसा किया कि पंचम तक आए ही नहीं। अच्छा, ये बात बड़े क्रेडिट की मानी जाती है। सही सही। इतनी उनके अंदर हुनरमंदी थी, इतनी बातें थी कि वो पंचम तक आने से पहले 3 घंटे ले गए। हाँ हाँ। और उसके बाद की बातें अभी बाकी थी। हाँ हाँ। लेकिन आज के वक्त में क्योंकि बहुत भागदौड़ का जमाना है, वक्त की कमी है, क्या बात, तो शायद इसकी वजह से हाँ हर चीज को समेटना जरूरी हो गया। समेटना जरूरी है, सही अच्छा, बात अच्छा। है। पंडित जी, बातचीत तो आपसे बहुत करनी है लेकिन समय कुछ कम है, इसलिए आज के लिए आज्ञा। अच्छा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जाने माने सितार वादक पंडित बलराम पाठक से विजय चौधरी की भेंट वार्ता। और आइए अब सुनते हैं सितार पर राग चारुकेशी, कलाकार हैं पंडित बलराम पाठक।
अभी आप सुन रहे थे पंडित बलराम पाठक की बजाई सितार पर राग चारुकेशी में गत। आज के संगीत सरिता में पंडित बलराम पाठक से ली गई भेंट वार्ता भी आपने सुनी, जो हम विविध भारती के खजाने से लाए थे। अब इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। Got it, 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 got it